हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हो गए रेडी द नॉल्टी के लिए। मनोज ना आ रहा है, मैंने नहा लिया। बस अभी कुछ नहीं, यहाँ पे चाय मिली, चाय पी के अब हम लोग निकल रहे हैं। फिर बाहर देखेंगे कुछ खाने वाने का, फिर वहाँ से सीधे निकलेंगे द नॉल्टी के लिए। और रास्ता बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत अच्छी जगह है। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ स्टे करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। तो देखते रहिए कहाँ जा रहे हैं। मुझे 9 बजे तक पहुँचना था, लेकिन 9 यहाँ ही बज गए हैं। आगे बहुत सारा सेटअप है वहाँ पे, भले ही लड़के हैं मेरे पास वहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन मेरा होना थोड़ा ज़रूरी होता है। देखते हैं, थोड़ा जल्दी जाना होगा। मेरा जूता भी फट गया था कल, अभी कोशिश करूँगा कि रास्ते से एक शूज़ ले लूँ। फिर वहाँ ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मनोज भैया के सर में 6-7 बाल हैं, उनको बनाने में इन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया है। जितने बाल हैं उतना टाइम लगा। हमारे देखो कितने सारे बाल हैं बिना कंघी के, हमने मस्त बना दिए। 15 भी हैं तो 1 मिनट 1 बाल का भी लगा था, फिर भी ज़्यादा लगा दिया तूने। तो चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग जा रहे हैं सामान को लोड। ये नाराज हो रहे कि स्मार्ट लग रहा हूँ और फोटो में नहीं निकाला मुझे। हाँ, बड़ा गुस्सा हूँ मैं इस बात पे, केवल बातों से बोल रहे हो। तो एक बार सब लोग भैया को देख लें और फिर इसके बाद हम सीधे चलते हैं यहाँ से। लोकेशन नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि हम धनौल्टी जा रहे हैं। हम बताएंगे नहीं किसी को, ये आपको गैस कर रहा है क्यों? बिल्कुल, हम धनौल्टी थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, हम बताएंगे नहीं आपको कि हम धनौल्टी जा रहे हैं। हाँ, गैस करना है आप लोगों को, तब तक आप गैस करिए। थोड़ा आ गया उनके पास, क्योंकि हमने सुबह कुछ नहीं खाया था, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ले लें यहाँ से। तो मतलब समोसे ले लेंगे, हम समोसे खा लेंगे, उससे 1-2 घंटे का एवरेज आ जाएगा, तो फिर तो लंच चाहिए। हम रुके हैं अभी रायपुर में, इसका नाम है हाथी खाना चौक में। अगर हमने सरप्राइज नहीं रखा होता कि आपको नहीं बताना है, नहीं तो हम दिखाते हैं आपको धनौल्टी का रास्ता कैसा है, है ना भैया? बिल्कुल, ये आपको गेस करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये रास्ता कहाँ का है, इसलिए मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ। ठीक है, धनौल्टी जा रहे हैं। सस्पेंस भी तो क्रिएट होना चाहिए ना यार। हाँ बिल्कुल, अभी तो मजा आएगा, जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होता है ना, वो ऐसे ही करता है कि अपना वो नहीं बताता, सस्पेंस रखता है लास्ट तक, फिर बताता है। तो मैं भी लास्ट में बताऊंगा कि हम धनौल्टी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लास्ट में ना, एंड में, ये आइडिया है मेरा। दिमाग हो भाई, तो दिमाग इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश। हॉट मॉन्ड रिजॉर्ट धनौल्टी, काम पे हैं हम लोग, घूम नहीं रहे हैं, मजे में। तो हम लोग अभी हैं हॉट मॉन्ड रिजॉर्ट में। अभी यहाँ पे हमें नीचे जाना है, ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो ब्रेकफास्ट देखते हैं मिलता है तो। वो तो कह रहे हैं कि हम अरेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग सबसे लेट हैं। सुबह जाते हैं नीचे, काफ़ी नीचे। बाकी बाहर का व्यू मैं आपको दिखाऊँ तो बस यही व्यू है मेरा रूम से। रूम ठीक ठाक, बाकी आगे देखते हैं, बाकी अगले 3 दिन का स्टे यहाँ पे कैसा रहता है। रिजॉर्ट काफी बड़ा लग रहा है, पूरा नीचे तक स्प्रेड है। अभी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने भी काफी नीचे जाना है। मुझे लगता नहीं वहाँ पैदल जाना पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे ई कार्ड्स लगी हुई, खाना भी खाएंगे।
मैडम ने बोला था ई कार्ट है, नीचे तक छोड़ देंगे, लेकिन हम जब रियल में नीचे आए तो उन्होंने बोला वॉक इन है, रोड को फॉलो करते हुए चले जाइए। अब हम लोग रोड को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से नीचे वहाँ प्रोग्राम है अपना। ये तो बहुत नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हो रही है। ट्रेनिंग का एक सेशन हो चुका है, अभी और चलेगा ये पूरे दिन। अभी काम के बीच में थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग और खेल रहे हैं पूल। ये पूल थोड़ा खराब है, इसमें सॉल सूत लगा के नहीं फिटिंग कर रखी है इसकी, सारी बॉल्स एक साइड आ जा रही है। भैया तुमने खेल लिया, चीटिंग कर रहे हो, तो खिलाड़ी ये गजब कर दिया भाई साहब। ये देखो क्या गजब शॉट मारा है, मारते हैं ओह क्या ग्रेट, थोड़ा सा ऊंची नीच होगी। कैमरे के सामने घबरा जा रहे हैं, कैमरे के सामने घबरा जा रहे हैं क्या ऐसे बढ़िया खेलने वाले का। हाँ और क्या, हमारा तो काम ही हुआ। ये देखो ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी भीड़ भाड़ में भी इन्होंने एक बॉल को टच किए बिना बॉल निकाल दी। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये वाली बॉल मैं एक बार डाल के दिखाऊंगा पक्का, ठीक है। कैमरे के सामने थोड़ा कंसर्न जा रहा हूँ। ये हाँ नाइस शॉट, गजब, ये का फॉल करने वाले हैं। ये सब ऐसी हो रहा है, बोलो चल चल बोले चल दोनों भाई साथ एक उधर देखो बहुत अच्छे से मैंने बॉल का प्लेसमेंट किया, देखो एक गोट इधर एक गोट उधर, गोट नहीं यार इसको बॉल देंगे ना, तो एक बॉल इधर एक बॉल इधर, ये देखो ये इनके आर्ट है। ये छः के छः होल से बचा के जो बॉल को निकाल रहे हैं ना, ये इनकी कला है। ये मुश्किल शॉटों के लिए तो जाना जाता है आपको। जैसे मैंने आज खेल के दिखाया आप लोगों को, और मनोज जी ने जैसे छः होल से कैसे बॉल को बचाएं और कैसे बिना किसी बॉल पे टच किए अपने, वहाँ देखो जरा शॉट देख लिया, ये देखो जितनी बॉल्स इन्होंने डाली हैं वो इसके प्लेसमेंट के चक्कर में घुर 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 करके चले गई, बाकी लग नहीं रहा था मुझे ऐसा होएगा। मेरा काम है ऊपर तक पहुँचाना, अपने आप नीचे आ रही है वो। बाहर का सारा काम करने के बाद हम लोग आ गए अब अपने रूम में, तो सोल्जर इज नेवर ऑन हॉलीडे, रोज के काम कर रहे हैं। बोले तो और मेहनती बच्चा कैसे बैठा हुआ,
थक बहुत ज़्यादा गए लेकिन नींद आ रही है, सो नहीं सकते लेकिन हम क्यों। अभी हमें थोड़ी देर मिला रेस्ट करने का टाइम, इसके बाद हमें नीचे जाना है एक पार्टी के लिए, फिर पार्टी के बाद आगे सो जाना है चुपचाप। ठीक है भाई साहब, यो क्या करने वाले हैं हम आगे? बस इसके बाद 8 बजे जाना है नीचे, एक घंटे का टाइम है आपके पास, उसमें आपको सोना भी है, चेंज भी करना है, सब कुछ करना है, जो भी तुम्हें रेस्ट करना है, फिर उसके बाद जाना है नीचे, फिर पार्टी में है, डिनर करके वापस आ जाएंगे, सो जाएंगे, सवेरे भी जल्दी उठना है। चलो डिपेंड करता है सोएंगे कितने बजे, डिपेंड करता है रात को कितने बजे सोएंगे, फिर डिपेंड करता है उसे सुबह कैसे उठेंगे। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, कब सोएंगे कब उठेंगे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना भाई साहब? बिल्कुल ठीक, अभी फिलहाल थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं। बिल्कुल ओके बाय। तो हम तैयार हो गए पार्टी के लिए, देखो मनोज भी बैठा है बाका छल छबीला बन के, हम पार्टी में जाएंगे। थोड़ा सा मैं दृश्य आपको पार्टी का दिखाऊंगा, फिर उसके बाद व्लॉग का एंड करते हैं। सुबह भी हमने पैदल किया था, अब हम पैदल करने वाले नहीं है नीचे तक, तो हम इंतज़ार करेंगे कार्ट का, वो कार्ट तो है लेकिन इस पर जो ड्राइवर है ना इनके पास एक ही है, वही जिप्सी भी चलाते हैं वही कार्ट भी चलाते हैं। बड़ा ही खतरनाक रास्ता था, डर के मारे हालत खराब हो गई। अंकल की और गाड़ी की उम्र दोनों की बराबर ही है। तो फाइनली पार्टी इज स्टार्टेड, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दो हो रखी है फिर भी कह रहे हैं कि मेरी नहीं हुई है, क्या बात है। जरूरत है शिवपति कलावती की, सेवा कर रहे जो पति की, जरूरत है शिवपति की कलावती की, सेवा कर रहे जो पति की, जरूरत है है। तो अब पार्टी के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे सोने। ठीक है ओके गुड नाइट बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। ओके बहुत टफ राइड था, अंकल बहुत एजेड हैं, कम से कम 70 इयर्स के होंगे जो गाड़ी लेके आए यहाँ तक, है ना चाचा 60 साल के तो होंगे, मोर देन 60। तो हमें यहाँ तक लेके आए हैं, अब यहाँ आके हमें बस सोना है। हाँ ठीक है, हम पार्टी के बाद वापस आ गए, अब बस सोना है अपने को, गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अब कल सुबह का देखना, दैट वाज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉर्निंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग डे ओवरऑल। चलो गुड नाइट बाय, इफ़ यू लाइक द व्लॉग देन हिट द लाइक बटन, इफ़ यू डोंट लाइक द व्लॉग देन ऑल्सो हिट द लाइक द बटन। ये पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला तो पसंद आएगा ना, अगला बढ़िया होएगा इसके बाद वाला, ये पसंद नहीं आया तो ठीक है कोई बात नहीं। ओके बाय।